आज जो हमारे गेस्ट हैं अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पे, उनके कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर। एक गेमिंग का चैनल है बहुत बड़ा, उसके अलावा एक ब्लॉगिंग का चैनल है, और उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप सब उनको गेमर फ्लीट के नाम से जानते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अंशु बेस। अरे 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 भाई भाई, गले मिले भाई। प्लीज देखिए सर, सच्ची बताओ ना, तो स्टार्टिंग में आपको यकीन नहीं होगा मैं आपको कैसे जानता हूँ। मतलब आपको तो सभी जानते हैं, बट मेरा कैसा है, मैं लिटरली जिस टाइम पे मेरा थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, थोड़ा ऐसा चल रहा था कि यूट्यूब इतना तगड़ा नहीं चल रहा था, तो मैं क्या करता था, मैं पैदल जाता था। उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था कि मैं हर दिन ऑटो ऑटो ले सकूँ, क्योंकि दिल्ली में ऑटो भी सर बहुत महंगे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं कभी कभार पैदल जाता था, तो मैं गाने सुनते हुए जाता था। तो उसमें एक दिन बीच में आपका आया था सर, आपका वीडियो आया था, फिर मैं आपकी वीडियोज एकदम फॉलो करने लगा, फिर आज तो यहाँ पे बैठे हुए। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा सर। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन द सेंस कि मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा बस कंडक्टर थे एक प्राइवेट स्कूल में, तो कोई अर्निंग सर ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा, मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से ही था कि बस इतना कमा रहे हैं कि टेबल पे फूड रख ले रहे हैं पापा, ऐसे वाला था। तो मैं कभी ऐसे ये चीज़ नहीं करता। मैंने अपना कंप्यूटर भी पहला बनाने के लिए, मेरे को यूट्यूब करने का बहुत मन था, बट मेरे पास कंप्यूटर अच्छा नहीं था, वो डब्बा सा कंप्यूटर था, कुछ नहीं था। तो मेरे को था कि करना है, तो मैंने एक्चुअल में पहली जॉब भी इसलिए करी सर कि मेरे को कंप्यूटर बनाना है अपना, इसलिए मैंने हाथ पैर मारने स्टार्ट करे, हर जगह गया। मैं एक दो बच्चों को मतलब एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ाता था, मतलब आई होप वो ही बोलते होंगे, 8 से पहले की मैथ्स पढ़ाता था। फिर उससे मेरे को फिर इंस्टीट्यूट में भी लाइक मिल गई जॉब, मिल गई वहाँ पे वही 2500 रुपये, जो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा रहा था तो फिर उसके साथ सही हो जाता था। फिर ऐसे करके मैंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया। तो बेसिकली मतलब फाइनेंशियली फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। अब आपके पेरेंट्स को कैसा फील होता है अब जिस लेवल पे हो? बहुत प्राउड सर। मतलब एक चीज़ है कि पापा लोग अभी भी लाइक रिलेटिव्स को समझा नहीं पाते कि क्या करता है मेरा बेटा एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि समझाना मुश्किल है ना सर कि मेरा बेटा कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम खेलता है, अगर इसके कमरे के बाहर 2 मिनट खड़े हो जाता है ऐसा लगता है हर समय चिल्ला रहा है, और ये इस चीज़ से पैसे भी कमा रहा है और अच्छे कमा रहे हैं। तो वो चीज़ समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे पापा खास करके बहुत ज़्यादा प्राउड है अभी मेरे से। लाइक मम्मी तो पहले से थी, बट मेरे पापा का क्या था ना सर कि जैसे मेरे पापा का हमेशा से ये ड्रीम था कि बेसिकली हमारी जो फैमिली है, जो मेरी फैमिली है और जितने भी फैमिली मेम्बर्स को मैं जानता हूँ, चाहे दूर के रिलेटिव्स हैं, तो कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा नहीं कि रिच बैकग्राउंड्स है, कुछ अच्छे भी हैं बट सब ऐसा ही मतलब मीडियम क्लास फैमिली टाइप है। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं कोई जॉब करूँ, बड़ी जॉब करूँ, कॉर्पोरेट में करूँ, थोड़ा ऐसा मतलब लगे उनको बोले कि मेरा बेटा इतना कमाता है, ये करता है, वो करता है, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी तो मतलब अब तो आपकी पूरी टीम होगी मेरे ख्याल में, आप अकेले थोड़ी कर रहे होंगे। आपकी कितनी बड़ी टीम है? ज़्यादा नहीं है सर, मेरे पास एक एडिटर है और एक थंबनेल क्रिएटर है, बाकी दो लोग आपके साथ फुल टाइम बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, और मैं तो आपको बता रहा हूँ सर कि मेरा ऐसा था कि फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली नहीं समझा पाती और ना ही मैं उनको अपनी इनकम बताता हूँ कि मैं इतना कमा रहा हूँ करके। तो जब मैंने पहली बार कार ली थी, तो मैंने अपनी फर्स्ट कार, चाहे मैंने बहुत रुक के ली, बट मेरे को ऐसा था कि कुछ जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही लूँगा। तो फिर जब रिलेटिव्स ने आसपास के देखा कि ये क्या कर दिया एकदम से, ये क्या गाड़ी लेके आ गया, ये हो गया, तो फिर तो सर ऐसी लाइन लग गई घर में बिल्कुल ही कि अरे ये क्या कर रहा है अंशु, क्या कर रहा है, बताओ हमें भी बताओ। फिर कितने रिलेटिव्स ने तो अपने बच्चों को स्टार्ट करा दिया कि तू क्यों नहीं कर रहा ऐसा कुछ गेम वेम खेल करके। तो मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है उनके बच्चों का क्या हुआ। आपका तो सबको पता है क्या हुआ। उनका कुछ हुआ उनमें से किसी का अभी, फेमस अभी, हुआ अभी तो नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ कोई। तो इससे हमको क्या समझ आता है, किसी को देख करके कुछ नहीं करना है लाइफ में, अपने अंदर से अगर आए, आपको खुद को लग रहा है कि आपको करना है तो करो, किसी को देख करके मत करो, क्योंकि इन्होंने जो एफर्ट डाला होगा आई एम श्योर वो उन बच्चों ने नहीं डाला होगा, हाँ, जो आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहते हैं, हाँ, सिर्फ पैसे के लिए। हाँ सर, उनको क्योंकि आपका पैशन था गेमिंग, जिस वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए। यस सर। और मैंने देखा आपने बहुत लोगों से कोलैब्स कर रखा है। मेरे को सर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि नहीं मेरे को नहीं करना है, चाहे फिर मेरे को उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि मैं कितने लाइक ऐसा कुछ फैमिली का कुछ खतरनाक हो रहा है, कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं नहीं जाऊंगा, फैमिली वाले सारे जा रहे हैं, मेरे को जाना है, मन कर रहा है, बट अगर किसी ने बोल दिया कि इस दिन मैं फ्री हूँ, अगर करना है तो इस दिन करेंगे, तो मैं बोलूँगा ठीक है इसी दिन करेंगे, होगा। तो मतलब
कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी सर। और आई थिंक शुरू में ही जब मैंने अनाउंस किया था तभी आपने मैंने ईमेल कर दिया था सर, जैसे मेरे को लगा मतलब कोई ईगो नहीं कोई एटीट्यूड नहीं कुछ नहीं राइट। मैंने जैसे आपका पहला वीडियो देखा था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट, आपने बताया था कि आपकी वाइफ वाला बहुत अच्छा गया था, तो आपने बोला कि मैं यूट्यूबर्स के साथ स्टार्ट करूं, तो मैंने तो सर जिस दिन देखा था मैंने उसी दिन सीधे मेल डाल दिया, सर आई वॉन्ट टू कम, हाई माई नेम इज गेमर फ्लीट, ये मेरी लिंक्स है चैनल की, प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन ज्वाइन दिस, ऐसे करके। तो एक तरफ इनके जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, मोनिका जी बताना मैं ठीक कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग बता देता हूँ कि उन लोगों का ये कहना है अगर हमें आना ही है तो इसमें हमारा क्या फायदा है, हम यहाँ पर आने की बजाय अगर कहीं और चले जाते हैं तो वहां पर हमको पैसा मिलता है, ब्रांड डील में पैसा मिलता है, यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या? तो उनको मोनिका जी ने बड़ा समझाने की कोशिश करी कि भैया नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो कहते हैं इससे हमें क्या मतलब है। ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में और इनके जैसे भी कुछ लोग हैं, जब भी हमने अप्रोच करने की कोशिश करी तो सामने से कुछ बहुत ही अजीब सा आता है और फिर हमारे पास में कुछ होता ही नहीं है जवाब देने के लिए कि सर हमको बिजनेस क्लास में टिकट चाहिए, हमको ये फाइव स्टार होटल में स्टेज चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हम कहते हैं भाई साहब हमारे पास में पैसा नहीं है, हमने अपने चैनल को मोनिटाइज तक नहीं किया है, जो भी हम कर रहे हैं जेब से कर रहे हैं भाई, थोड़ा तो तरस खाओ। लेकिन लोग तरस नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे खा लेते हैं सर। मेरे को तो यकीन नहीं होता कि आपने कैसे अभी तक मोनेटाइज नहीं करा अपने चैनल को, क्योंकि कर लूं तो कितना पैसा आ जाएगा आपको तो पता होगा अंदर की बात सारी। आराम से सर 2-2.5-3 करोड़ तो कहीं नहीं गए सर, आ जाएंगे महीने का कर लेते वोटिंग कर लेते हैं ना, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप पे डाल दूंगा ना मैंने थोड़ी किया, सबने कहा करने के लिए मैंने कर दिया, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा चैरिटी में भी दे देंगे। हाँ कितने चाहते हैं कि हो जाना चाहिए मोनेटाइज? सॉरी कह रहे आज करते हैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अब बताइए आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं इनसे पूछने के लिए तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मेरे से नहीं पूछने, ये हमारे गेस्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपको इनसे पूछने हैं। मेरा क्वेश्चन थोड़ा एनोनिमस है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई एंड फॉर व्हाट यू शुड लिव फॉर? आप जवाब देना चाहेंगे इतने भारी क्वेश्चन का? या इसके बोझ तले आप दब गए? मेरे को तो सर क्वेश्चन ही ज्यादा समझ में नहीं आया। ये जो इनकी क्वालिटी है ना ये बहुत बड़ी है, मतलब कोई दिखावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, इन्होंने कितने भोलेपन से बोल दिया कि मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ये नहीं कि सुन करके कुछ भी बोलने लग गए। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। The moment you try to become something that you are not, तो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और इससे आपके इस क्वेश्चन का आपको जवाब भी मिल जाता है। लाइफ में हमेशा ग्राउंडेड रहो। कई बार क्या होगा जब आपको सक्सेस मिल जाएगी या थोड़ा सा फेलियर मिल जाएगा तो आप माइंड के लेवल पे डगमगाने लग जाओगे। सक्सेस मिल जाएगी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाओगे, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो, सब बकवास है, इमेजिनेशंस है। ऐसे ही थोड़ा सा फेलियर मिल जाएगा तो अपने आप को ऐसे सोचने लग जाओगे कि पता नहीं क्या हो गया लाइफ में, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है। लाइफ का मतलब क्या है? अप एंड डाउन। जैसे मूवीज में देखा है ना हॉस्पिटल में वो जो आती है लाइन और फिर थोड़ी देर में टी 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 टी, फिर थोड़ी देर में टी हो जाती है। ये टी लाइफ नहीं है, टी 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 लाइफ है। ठीक है, मिल गया आपको जवाब। सर क्वेश्चन है मेरा कि आप बता रहे थे कि आप स्टार्टिंग में 2.5 के कमाते थे, हाँ, तो उस दौरान आपको जब कोई भी बोलता था कि वीडियोस ऐसे बना रहे हो वैसे बना रहे हो तो आप अपनी मोटिवेशन को अलाइव कैसे रखते थे? कि मान लो आज की डेट में मेरे को कोई बोले कि तो क्यों कर रहा है, तो मेरे दिमाग में वो बात रह जाएगी कितना भी इग्नोर कर लो उसे, हाँ। तो आप उन चीज़ों को नेगेटिव थॉट्स को बाहर कैसे लेके आते थे कि नहीं यार मेरे को अभी अपनी वीडियो बनानी है तो बनानी है? सबसे मेन चीज़ ये थी कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि लोग बोलते हैं कि ऐसी वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये करो, कितने लोग तो खुद आके बोलते अरे ऐसे बना यार, जिनने खुद भी नहीं बनाया होता था वो भी बोलते थे कि यार ऐसे बना ऐसे चलता है। लाइक फैमिली मेंबर्स का भी इतना इनिशियल डेज में सपोर्ट नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया सर कि फैमिली इतना ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, तो अब आप सोचो कि आप ऑलरेडी यही कहेंगे कि जॉब करो या वही सर, मतलब सोचो कि आप ऑलरेडी सुबह के 5 बजे उठ के फिर शाम के 5-6 बजे तक वापस आते हो, आपकी जॉब भी इतनी कोई अच्छी नहीं है या फिर आप इतना अर्न नहीं करते जैसे मेरे पापा थे, तो फिर उसके बाद आपको पता चले कि आपका बेटा दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठ के चिल्लाते रहता है और वो कुछ नहीं कर रहा है, बाकी फिर वो एक ट्यूशन पढ़ा ले रहा है थोड़े बहुत और वो कुछ लाइफ में बड़ा नहीं सोच रहा आगे जाके। कि जैसे होता है सर कि जितनी छोटी फैमिलीज होती है उनमें ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए या कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेट जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसे कुछ।
मेरा भी ऐसी था, मेरे पापा मुझसे बहुत गुस्सा रहते सर इनिशियल डेज में, क्योंकि मैं यही करता था, चिल्लाते रहता। तो ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ भी था, मैं स्ट्रीमिंग करता था उस टाइम पे, मतलब जैसे आप गेम खेलो उसी के साथ साथ आप स्ट्रीम भी कर रहे हो लोगों के लिए, तो मेरे को यही दो तीन जने देखते थे। इसमें ना रेटिंग कल्चर होता है सर स्ट्रीमिंग में, कि जैसे आप अगर स्ट्रीम कर रहे हो, आप बड़े यूट्यूबर हो, आप स्ट्रीम करो, आपको मन किया कि आज चलो कोई छोटा यूट्यूबर देखते हैं, उसके पास अपनी जनता भेज देता है ऐसे कि जाओ जाओ गाइस इसको प्यार दिखाओ थोड़ा सा ऐसे करके। तो एक जन ने, मेरे को उनका नाम याद नहीं है अभी, बट उन्होंने मेरे पर रेड करवाई थी, मेरे को 150 वॉचिंग आ गई, लेकिन रात के 10 बज रहे, 150 वॉचिंग आ गई। ये एकदम स्टार्टिंग की बात है, मैंने शुरू किया था 2018 के आसपास की बात है, तो एकदम से 150 वॉचिंग आ गई, मैं पागल हो गया, रात के 10 बज रहे, मैं एकदम चीखना चलाना शुरू हो गया, गाइस लाइक मारो सब्सक्राइब करो जिसने भी नहीं करा है, मैं चीख रहा हूँ एकदम गंदा वाला। वहाँ बगल से पापा लोग आए, तो पापा आए ऐसे जैसे MCB होता है ना, अगर MCB गिरा दो तो पूरे घर की लाइट चले जाती है। तो मैं गेम के उस पॉइंट पे करेक्ट, हाँ, जो मेरे पॉइंट का आपको इंतजार था, एक साल बाद इतनी अच्छी मेरे को खुशी मिली थी कि भाई ये क्या हो गया एकदम से पागल हो रहा हूँ। और पापा आए, पापा पहले दो तीन बार बोला बंद कर बंद कर, मैंने कहा पापा, मैं चुपचाप जल्दी से गया कुंडा खोला, मैंने कहा पापा प्लीज परेशान मत करो, मैं अभी मेरे को बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, 150 लोग। तो पापा गए एक बार समझा के गए, अब सब होता ना कि जितना आप लाइव दिखते हो उतना ही लोग भी फिर उसमें वो चीज़ करते हैं ना, कि लोगों को मजा आता है, एंटरटेन होता है। तो मैं वही चीज़ कर रहा था, पापा आए, उनने MCB गिरा दी, तो गई लाइट, गई स्ट्रीम, गई खत्म, वो 150 लोग गायब। अब वो आए थे, उनको मैं जितनी देर में कन्विंस करता कि सब्सक्राइब करो, मेरा कंटेंट अच्छा है, देखना मजा आएगा, तो उतने में वो लाइट वाइट गिरा दी। तो मतलब मेरा बेसिकली वही है कि जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आपको बोलते हैं, तो मेरे घर में भी ऐसी था कि मेरे को कोई ऐसा नहीं कि घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो मैंने पूरा कोशिश किया कि वो सब, तो मेरे अंदर तो वही था कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, बाकी आपको अगर कोई चीज़ करनी है और आपको लोग आके बोल रहे हो वो तो हो गए। वो मेरे को आज भी बोलते हैं लोग आके कि ये क्या बच्चों के लिए बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या वीडियो है, अरे ऐसे बना ऐसे बना। वो आज भी वही लोग हैं जो खुद नहीं बनाया जिनने कभी कुछ, वही आके बोलते हैं, तो वो तो हमेशा ही चलेगा। वो आपको बस इतना रहना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए, जो चीज़ आप कर रहे हो, आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आप अगर यूट्यूब पर कॉन्टेंट डालो, तो आपको वो चीज़ कितना चाहिए कि आप एक दिन वहाँ पे खड़े हो जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, या फिर जिनको आप देख के बोलते हो कि ये मजा आ गया ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पर आप इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बीच के फर्क को देख सकते हो। मोटिवेशन क्या है कि बाहर से आपने मेरी कोई वीडियो देखी या किसी की कोई बात सुनी या इनको देखा आज यहाँ पर सेशन में लाइव आए या इनकी कोई वीडियो देखी और एकदम से चार्ज अप हो गए कि मुझे ये करना है वो करना है, अब मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब क्या है, मोटिवेशन है, टेम्पररी है, ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। इंस्पिरेशन क्या है कि आपके खुद के अंदर से आ रहा है कि मुझे ये करना है। अब उसके पीछे क्या रीजन होता है, दो रीजन होते हैं, एक होता है पेन, एक होता है प्लेजर। या तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा पेन होना चाहिए, जैसे इनकी स्टोरी को अगर आपने ध्यान से सुना है और समझने की कोशिश करी है, इनकी लाइफ में दोनों है, जो पैसे की रोज किचकिच होती है घर में वो सब आपने देखा होगा आई एम श्योर, कि पैसे की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और पैसा कितना इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जिसके पास में पैसा नहीं है। तो एक पेन हो गया ना, तो उस पेन ने इनको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने दम पे कुछ करना ही है। यस सर, दैट इज वन। दूसरा आया प्लेजर, इनको खेलने में मजा आता था कि जब वो 150 लोग आए तो कैसे इन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए, MCB डाउन हो गई वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी ना, तो दैट मीन्स कि इनको मजा आ रहा था। अब इनको जितना मजा आएगा देखने वालों को भी उतना ही मजा आएगा। अगर अभी ये सेशन में मेरे को मजा ना आए, मैं ऐसे आकर के बैठ जाऊं, आई एम द किंग यू नो, 25 million, नॉट अ स्मॉल नंबर, यू आर आस्किंग मी, ओके गो अहेड। मैं चाहूं तो ऐसी हरकतें कर सकता हूं, वैसे नहीं कर सकता, चाहूं भी तो हाँ। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसी हरकतें करने लग जाता हूं, मतलब एटीट्यूड में आकर के यहां पे बैठ गया, मैं ये मैं वो मैं वो मैं आप क्या कहोगे, मैं बकरी साइड हो जा। आप कब कनेक्ट कर पाते हो मेरे साथ में, जब आपको लगता है यार ये भी हमारे जैसा ही तो है, मेरी भाषा भी ऐसी ही है और मेरे को भी मजा आता है आपसे इंटरेक्ट करने में, मुझे अभी भी मजा आ रहा है तो आपको भी मजा आ रहा है। अगर मैं एटीट्यूड में आ गया, मैं बहुत एरोगेंट हो गया, मैं कुछ इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने लग गया कि मैं ये मैं वो, आप कहोगे यार बस यार पहले ही बहुत दुख है हमारी जिंदगी में, और दुख ना दो हमें, छोड़ दो भैया, बख्श दो हमें, है कि नहीं। आप क्यों आते हो, क्यों मेरी वीडियोस देखते हो, मजा आता है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एनर्जी मिलती है, कैसी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, समझ गया ना, आपको आंसर मिल गया ना, एक मजा आता है और दूसरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये दोनों ही क्यों हो पा रहा है मेरी वीडियोस में, क्योंकि एक मुझे मजा आ रहा है ये करने में,
अगर मुझे ना मजा आए तो क्या आपको मजा आएगा? लगाओ दिमाग, लगाओ, आपको मजा आ रहा है क्योंकि मुझे मजा आ रहा है ये करने में, दैट इज वन। नंबर टू, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है अपने अंदर, नेगेटिव नहीं, मतलब आप ड्रेन्ड आउट महसूस नहीं करते हो मेरी वीडियोस के बाद में। मैं सही कह रहा हूँ या जबरदस्ती अपनी तारीफ कर रहा हूँ? कितने एग्री कर रहे हैं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद में एक बार को तो जान आ जाती है, लगता है कि आप फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबके अंदर आता है। तो ये क्यों आ पा रहा है सोचो, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं नेगेटिव हो करके आ करके यहाँ पे ये सेशंस करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप कब तक देख पाओगे? सो जाएंगे। आप कहोगे भाई बस कर यार, बहुत दुख है हमारी जिंदगी में, और दुख ना दे हमको। तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। एक, अपनी लाइफ में पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो कि आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाओ कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशंस। ये नंबर वन। नंबर टू, प्लेजर, मजे लेकर के एक काम को करो, आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि जब आपको मजा आएगा तो जो भी आप क्रिएट करोगे, फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो कुछ कमाल का होगा। उसमें एक ऐसी एनर्जी होगी जो देखने वाले को अच्छा फील होगा। क्यों होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। मैं इतना खराब बोल रहा था इसलिए आपने तालियां बजाई सर, बहुत हुआ। ये दो वजह से तालियां बजती है, या फिर सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। कितने पहले वाली कैटेगरी के हैं, हाथ ऊपर करो। देखा, आपके सवाल का जवाब मिल रहा है आपको, मेरे को जलील किया जा रहा है यहाँ पे। लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देखने वाले, इन्होंने हाथ ऊपर करे हैं कि मैं इतना घटिया बोल रहा था इसलिए इन्होंने तालियां बजाई है। और कितनों ने इसलिए बजाई है कि मैं बढ़िया बोल रहा था, उनको मजा आया। हाँ देखो, तो ये नंबर हमेशा रहेगा, चाहे आपके 25 मिलियन हो जाए उसके बाद भी। प्लीज हैव अ सीट। आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। ऐसे ही होता है यहाँ पे माहौल ना, थोड़ा हल्का फुल्का ही होता है, आपने देखा ही होगा और सेशंस में। काफी काफी ज्यादा अच्छा है सर। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे मैनेजर से ले सकते सर लास्ट? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट, आप दीजिए ना उनको माइक। हाँ, दीजिए ना। जैसे संदीप सर ने बोला बहुत हम्बल हो, और हमको पता भी, आप हम देखते हैं, तो जैसे आपके फ्रेंड हैं सौरभ जोशी, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे, वो कैसे हैं? ऐसे वीडियो में तो आपको दिखता ना कि मस्त है, मस्त है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड किंग है, मेरे हिसाब से सर है एटीट्यूड किंग है, थोड़े है एटीट्यूड तो है सर मेरे हिसाब से, मतलब थोड़ा एटीट्यूड है। अभी क्या बताओ सर, वो गाड़ी वाड़ी लेते नहीं सर उसके बाद? वीडियो में तो, वीडियो में तो मस्त है तुम। हाँ वो सर, वो तो वीडियो लाइफ है ना सर, मतलब वैसे मेरे को लगता है कि ऐसा एटीट्यूड किंग है सर, थोड़ा एटीट्यूड है वो सर। ये प्रैंक हो रहा है या सच में कुछ हो रहा है? उधार टोपी अभी तो उधार मास्क। अरे नहीं यार, ओ सॉरी खुशी है। ये क्या हो रहा है? अरे मेरे भाई, कैसा है मेरा भाई? मुझे ये बंदा बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है मुझे यार। इसी ने वहां बैठे हुए तो भाई साहब। एक बार साथ में हो जाए तीनों, आसान है। ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, आप लोग भी सब साथ में। भाई साहब एक मिनट, आसान है, बहुत बढ़िया। अरे मजा आ गया यार, बहुत सरप्राइज, व्हाट अ प्रैंक, व्हाट अ सरप्राइज, मजा आ गया, मजा ही आ गया। एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ होने वाला है? मैंने भी नहीं किया था। मैं पकड़ के नहीं पाया आपको, मैं तो हम जल्दी पहचान लेता हूँ। पूरा सेशन ब्लर में देखा बिना चश्मे के। मेरा एक ड्रीम था कि मैं ऑडियंस में भी देखूं मेरा बच्चा। हाँ। जब से मैंने आपको देखना शुरू किया था, और आज वो ड्रीम भी पूरा हो गया। अरे वाह, थैंक यू अंशु भाई, थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सीरियसली जब ये बोल रहे थे ना, मेरे अंदर ना दो थॉट चल रहे थे। एक मेरे को लगा ऐसे कैसे हो रहा है, एक मुझे लगा भाई कोई नई कंट्रोवर्सी पर शुरुआत होने वाली है बहुत तगड़े तरीके से। मैंने लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप वहां पर बैठे हुए हो, आई थिंक किसी ने भी नहीं किया था। Thank you so much for coming. You were a lovely audience.